ओम शांति। हमारी प्यारी कविता बहन जो त्रिपुरा और बांग्ला देश के इंचार्ज थी, 40 वर्षों से यह बहन बहुत ही तन मन धन से अथक रूप से बाबा की सेवाओं में तत्पर रही। बाबा के गोद में चली गई। ऐसी बहन को हम सभी ब्राह्मण परिवार बड़ी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, इसलिए हर पाठ को साक्षी होकर देखना है और चलना है। अच्छा, ओम शांति। शांति। अगरतला की कविता बहन ने अपने पुराने शरीर को त्याग कर बाप दादा की गोद ली है। आत्मा तो अमर है और बाबा उनको उनके अगले पार्ट के लिए भेज रहे हैं। अब हम जानते हैं कि एक एक करके सारे ब्राह्मण अपनी संपन्नता को प्राप्त करके अथवा अपना संगम का पार्ट पूरा करके अपने नए रोल के लिए अगले शरीरों में जा रहे हैं। कविता बहन से मेरा पुराना संपर्क है। वो हमारे कार्यक्रमों में भी जब हम असम में करते थे गुवाहाटी वगैरह में तो उनसे मिलना होता था। विशेष तौर पर मुझे याद है कि बांग्लादेश में वो हमको लेके गई थी। हम बांग्लादेश में गए ही नहीं थे, तो कई कुछ वर्ष पहले की बात है कि कविता बहन के साथ हम बांग्लादेश में प्रथम बार गए थे। वहाँ पर हम अपने सेंटर पर रहे और बहन जी ने बहुत अच्छा उनका स्वभाव था। हर वक्त उनके अंदर बाबा की सेवा करने की, बाबा को प्रत्यक्ष करने की लगन रहती थी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कई सारे बांग्लादेश के मंत्रियों से भी हमारी मुलाकात करवाई। मुझे याद है हम प्योरिटी मैगज़ीन में हमने उनके मुलाकातें और फोटो भी छापे थे। और वहाँ पर जो केंद्र था, केंद्र पर भी उन्होंने विशेष भाई बहनों का एकत्रण किया। हम दो दिन वहाँ रहे थे और किसी प्रकार की भी कमी नहीं छोड़ी उन्होंने सेवा करवाने में। चाहे वहाँ के ब्राह्मण परिवार था, क्योंकि वहाँ तो कभी कभी कोई कोई जा पाता था, उन सब से हमारी मुलाकात हुई, उनकी अवस्थाओं की चीज़ बातचीत की, आगे के लिए सेवा के प्लान बनाए। कविता बहन ने हम लोगों की खातर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सारा सीन मेरे सामने आ रहा है, उनका मुस्कराता हुआ चेहरा, उनकी मधुर भाषा, उनकी धैर्यता, ये सारे गुण उनके फॉलो करने योग्य हैं। और हम समझते हैं, हम तो ज्ञानी आत्मा हैं, कि शिव बाबा ज़रूर उनको आगे के लिए सत्यों की दुनिया में उचित स्थान उनके सेवा के अनुसार देंगे ही देंगे। हम भी सब जल्दी ही उस दुनिया में जाने वाले हैं, फिर हमारा नाम रूप बदल जाएगा, पर सारे हम लोग बाबा का परिवार जो है ईश्वरी परिवार सदा के लिए समझे, सारे चक्कर के लिए, पूरे 84 जन्मों के लिए भिन्न भिन्न नाम रूप से साथ ही रहने वाले हैं। तो अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें, हम साथ ही थे, साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। तो यह इतना अति इंद्रिय हर्ष जो है सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्राप्त हो सकता है। तो हम सब मिल करके उनको, जैसे कहा जाता है, बाबा कहते विदाई नहीं, खुशी खुशी बधाई दे रहे हैं। और हम सब भाई बहन भी मिल करके इनकी जो यादगार बना रहे हैं उसको एक खुशी के रूप से मनाएं, क्योंकि हम आत्माएं तो अनादि अविनाशी हैं। और आगे हम सारा ब्राह्मण परिवार ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ही रहने वाला है। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी ब्रह्म कुल के भूषण आदरणीय कविता बहन 22 तारीख अपना स्थूल शरीर को छोड़ करके बाबा के गोद में गए, ये सुनकर हम सबको एक शाप जैसा लगा। परंतु मैंने इसको बचपन से देखता था और उनकी माता जी को, उनकी भाइयों को भी देखा, उन्होंने बहुत सदा प्रसन्न रहते हुए हर काम में हाजिर हाँ करके बाबा के कार्य को त्रिपुरा स्टेट में, आसाम की एरिया में और भी इंडिया में बहुत स्थानों पर जाकर के इन्होंने बहुत सेवा की और उन्होंने भव्य भवन भी बनाया उधर त्रिपुरा में। मुझे ये सौभाग्य मिला था उधर भी जाकर के उस भवन के उद्घाटन के समय में मैं भी था। और सभी दादियों को बहुत प्रिय बहन थे, अथक सेवादारी थे और निश्चय बुद्धि थे और विशाल दृष्टि था। और साथ साथ में बांग्लादेश में और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी इधर एक बार लेके आने के लिए वो निमित्त बने। उससे पूर्व में सरकार जो थे उनको भी सेवा करके, हमारे विशेष करके मेडिकल कॉन्फ्रेंस, मेडिकल सेवा, मेडिकल इंजीनियरिंग की बहुत सेवा की, शिक्षा प्रभाग की भी बहुत सेवा की। उन्होंने निरंतर सेवा में तत्पर होने के कारण उनके अंदर कुछ शुगर की कंप्लेंट मैंने सुनता था बीच बीच में, और इंस्पाइट ऑफ दैट प्रॉब्लम शी यूज्ड टू ट्रैवल अलॉट। और उनके सिवा सबसे बड़े कठिन काम है बांग्लादेश में सेवा केंद्र को खोल के ऑफिशियली उधर सेवा सेंटर संभालते हुए, और त्रिपुरा स्टेट में अलग अलग स्थानों पर भी बहुत सेवा की, अच्छे अच्छे VIPs को इधर ले के आए और हर काम में सदा आगे बढ़ते थे। उसको देखने से भी लोगों को बहुत आकर्षण है, देवी जैसा लगता था और संपूर्ण पवित्रता के कारण उसके चेहरे पर सदा खुशी का झलक दिखाई देता था और हर परिवार के सदस्यों में सबसे आगे थी। और उसकी माँ भी उनके भले सहयोग देते हुए, मुझे कुछ ही समय पहले, एक मास पहले वो भी शरीर छोड़े, परंतु एक ड्रामा का नोंद हुआ और आगे क्या भी युग में भी नोंद होगा, परंतु इस संगम युग में भी उसकी सेवा की आवश्यकता थी। परंतु बाबा और ड्रामा भावी जानते हुए उनको अपने गोद में बाबा ने लिया। हम सभी ब्राह्मण परिवार उनके इस श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, साथ साथ में उनके आगे जल में भी अच्छी सेवा करेंगे, अच्छे परिवार में चल लेंगे, नए सत्य की परिवर्तन करने में, धरती की स्थापना करने में, कार्य में वो सफल रहेंगे। ऐसा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, ओम शांति करता हूँ। और सारी समस्त मधुबन और ईश्वरी परिवार, विश्व के ईश्वरी परिवार उनके साथ है और रहेगा, और उनकी सेवा हम सब के सामने सदा एक आदर्श के रहेगा और युवा जनम के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसी युद्ध और उनके साथ उमंग था, शक्ति थी, निश्चय बुद्धि था और हर काल में विजय प्राप्त करते थे। ऐसी बहन को पुनः वंदन नमन ओम शांति। ओम शांति। हमारी आदरणीय स्नेही बहन कविता बहन जो अग्रतला में सेवा पर थे, उनको काफी देर से तकलीफ चल रही थी कि, लेकिन जब आखिरी बार यहाँ मिलने के लिए आए थे तब तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चंडीगढ़ के पास लेकर आए थे, मिले थे। उनका हमेशा बहुत स्नेह रहता था हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल के सहयोगी भी थे। और मैं उनको काफ़ी बरसों से जानने का मुझे अवसर इसलिए मिला कि हमारे पास उनके लौकिक भाई डॉक्टर ज्योति काफ़ी वर्षों से सेवा कर रहे हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में। माता जी से भी मिलते थे तो कविता बहन तो पक्की योगी थी और उनका तो बस केवल यही लक्ष्य रहता था कि सेवा में सेवा को ही आगे बढ़ाएं। और त्रिपुरा ही नहीं, बांग्लादेश में भी वो सेवा के लिए जाते थे। हिम्मत बहुत थी, साहस बहुत था, बाबा के प्रति उनका प्यार बहुत था, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य जो है वो शरीर उनको इतना साथ नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक बार डॉक्टर्स को भी बुलाया था बांग्लादेश में, वहाँ सेवा की थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में एक एक पल जो है वो सेवा और याद में ही रहे और सेवा ही उनका जीवन का लक्ष्य था। और जैसे ये कहते हैं कि सेवा के लिए भी हमें पहले तपस्या चाहिए,
तो तपस्या के प्रति भी उनका बहुत ध्यान रहता था। मैं ये समझता हूँ कि वो अभी एडवांस पार्टी में गए हैं और एडवांस पार्टी में भी कोई विशेष सेवा करेंगे तो हमारी उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत योग युक्त याद उनके प्रति कि वो जहाँ भी गए हैं जो सेवा के लिए निमित्त बाबा उनको बनाएगा वो सेवा करेंगे। पर बाबा कहता है ना कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो अपने पार्ट की अमिट छाप छोड़ गए हम सबके ऊपर, स्नेह से, साहस से, मधुरता से उन्होंने इतनी सेवा की। क्योंकि सेवा करने के लिए ये तो है कि पहले अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तो उनमें वो सब विशेषताएं थी, त्याग, तपस्या और सेवा, जिसके आधार पे वो अपने जीवन में भी आगे बढ़े और अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा कर मिले। तो अगरतला में और बांग्लादेश में जो उनकी सेवा है वो भाई बहन सब उनको याद करेंगे और उनको मिस करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे बाबा ने कहा है हमें कि बाप समान बनना है और बाप समान बनकर हमें भी विशेष सैंपल बन के दिखाना है, तो कविता बहन को हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि हम सब अगरतला में रहने वाले जो भाई बहन हैं उनको यही मैसेज देंगे कि वो कविता बहन की तरह ही बाबा की सेवा में सैंपल बनकर दिखाएं और सेवा में आगे बढ़ते रहें, अपनी स्थिति को भी मजबूत करते रहें, उसी में ही हम सब का कल्याण है। ओम शांति। अगरतला त्रिपुरा के कविता बेन के साथ स्टूडियो की स्थापना से गहरा नाता रहा। स्टूडियो के हरेक कार्य में वो तन मन धन से सहयोगी रहते थे। स्टूडियो के बंगाली डिपार्टमेंट में कार्य के लिए वो खूब एक्टिव रहते थे। बंगाली डिपार्टमेंट के इंचार्ज चित्रंजन भाई को समय समय प्रति पर वहाँ त्रिपुरा बुलाकर सिर्फ त्रिपुरा अगरतला ही नहीं किंतु बांग्लादेश तक बाबा की सेवाओं को उन्होंने विस्तार किया। बॉलीवुड स्टूडियो के कई कार्यक्रम उन्होंने बांग्लादेश में प्रतिबंध होते हुए भी अपने जवाबदारी पे वहाँ लेकर उन्होंने दर्शाया और जिसके परिणाम स्वरूप आज बांग्लादेश में भी बाबा का रिट्रीट सेंटर बनने की शुरुआत हुई। इतनी कर्मठ बहन थी। महत्व की बात यह है कि स्टूडियो का जो बंगाली कार्यक्रम है भलो ठाकुर प्रतिदिन, जिसके हजार से ऊपर एपिसोड हो गए हैं, उस एपिसोड की भी वो प्रमोटर रही। करीब 80 से 100 एपिसोड उन्होंने स्वयं ने बनाए हैं और शुरुआत उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से ऐसी बाबा के बाबा यज्ञ और ईश्वरीय सेवाओं प्रति समर्पित बहन आज हमारे बीच नहीं रहे हैं और बाबा ने उन्हें लंबी सेवा के लिए अपने पास बुला लिया है। मैं बंगाली डिपार्टमेंट, बॉलीवुड स्टूडियो की टीम, इन सब की तरफ से उन्हें हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बंगाली डिपार्टमेंट और बॉलीवुड स्टूडियो ईश्वरीय सेवाओं में उन्होंने जो सेवा का सहयोग किया हुआ है और जो अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेकर सेवन सिस्टर स्टेट थे उनके लिए जो सेवाएं की है वो सदा याद रहेंगी और उस सेवाओं से अनेक बहनों को प्रेरणा मिलती रहेंगी। फिर से एक बार बॉलीवुड स्टूडियो और उसकी टीम की तरफ से मैं उन्हें हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमारी कविता बहन अथक सेवाधारी, विशेष सेवाधारी, बाप दादा के दिल तक नसीम, ऐसी विशेष आत्मा अगरतला से अपरतला के निवासी बन गई। अपरतला अर्थात सबसे ऊपर का स्थान जहाँ अपना मीठा बाप दादा रहता है। तो ऐसे स्थान पर पहुँच करके बाप दादा के साथ बाप दादा की गोद में बैठ गई है
अभी तक तो अगरतला अर्थात नीचे की सेवा की साकार शरीर के साथ, अभी तो बाप दादा इनको बहुत श्रेष्ठ सेवा देने वाला है, क्योंकि आगे की दुनिया में इनका बहुत विशेष पार्ट है, इसलिए बाप दादा ने इनको अपने पास बुलाया और अभी विशेष सेवा देगा। तो ऐसी महान आत्मा को, विशेष आत्मा को, जो कि मैंने देखा मधुबन में आती थी तो सेवा का डिपार्टमेंट इनका हमारे पास ही होता था, कितनी लगन से, कितना स्नेह से, कितना प्यार से सेवा करती थी। तो इस सेवा का सब्जेक्ट तो बाप दादा देगा ही देगा और दे रहा है। ऐसी महान आत्मा जो साकार शरीर से खूब सेवा की, मनसा वाचा कर्मणा, और अभी आगे विशेष सेवा बाबा लेगा, ऐसी आत्मा को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत स्नेह कहो, दिल से कहो, बहुत बहुत श्रद्धांजलि कहो या सेवा की मुबारक हो। आपको बाबा बहुत 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 ऊंची सेवा पर भेज रहा है, यही हमारे सबकी दिल की स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति।